गर्मी 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 पिछले 10 महीने लगातार भारत के इतिहास में सबसे गर्म महीने रहे, पर इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स, खबरें, वीडियोस आपने पहले ही देख लिए होंगे। बहुत गर्मी हो रही है, सबको पता है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? आमतौर पे यूट्यूबर्स अपने वीडियो में हाथी जितनी बात प्रॉब्लम्स की करते हैं और आखिरी में सोल्यूशन नाम की एक पूछ जोड़ देते हैं। हाँ, मतलब देख लो, बता दिया है प्रॉब्लम, अब समझ लो, अपने हिसाब से पेड़ में लगा दो, क्या रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें काम की नहीं है, इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, पर ऑब्वियसली सॉल्यूशन इतना ही सिंपल होता तो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो जाती। इस वीडियो में हम हीट वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग और इनके सॉल्यूशंस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी की क्या सिचुएशन है, सरकारें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही हैं, और हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी उलझी हुई है। इस वीडियो में सॉल्यूशन का मतलब वो यूट्यूब वाला सॉल्यूशन नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना तो ये कर लो, रुक जाएगी। यहाँ हम एक्चुअल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं कि ये पूरी प्रॉब्लम आखिर है क्या। मैंने इनवाइट किया है देवोदित्य सिन्हा जी को, जो 12 से भी ज़्यादा सालों से एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को आखिरी तक देखने से आप बहुत कुछ नया सीखोगे और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये सब हमें ही झेलना है। बात ये नहीं है कि मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरे स्वार्थ, मेरा सरोकार, इसका क्या होना है, मेरा घर इसका क्या होना है। हम समझ रहे हैं क्या बात करें, हम कह रहे हैं ग्रह। सच यह है कि गर्मी केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और ये सब हो रहा है क्योंकि पूरी पृथ्वी का ही तापमान बढ़ रहा है, जिसको कि कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। शॉर्ट में समझते हैं, सूरज से आने वाली रेडिएशंस पृथ्वी से बाउंस होकर वापस चली जाती हैं, लेकिन कई सारी गैसेस ऐसी होती है जो उस गर्मी को सोख लेती हैं और दोबारा स्पेस में नहीं जाने देती, वो हीट वहीं रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस ऐसा करती हैं। अब क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की मात्रा पर्यावरण में लगातार बढ़ती जाए? ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ये गैसेज होंगी उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और यही पूरी दुनिया में हो रहा है कि इंसानों की हरकतों के कारण ग्रीन हाउस गैसेज लगातार बढ़ती जा रही हैं। किन इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है? वेल, इसमें सबसे ऊपर आता है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, पेट्रोल, डीजल, कोयला एक्सेट्रा। इसके बाद है खेती, मुख्य रूप से एनिमल एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, मांस और दूध के उद्योग। फिर आता है फैशन, दुनिया की तीसरी सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। ओके, तो फिलहाल हम कहाँ पर है? वेल, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये पूरे तामझाम की शुरुआत होने से पहले पृथ्वी का जितना तापमान था उससे आज 1.1 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। 1.1 सुनकर ये मत समझना कि अरे ये तो थोड़ा सा ही है, 1.1 में ही तापमान इतना बढ़ चुका है कि भारत में पिछले 50 सालों में 17,000 लोग केवल गर्मी के कारण ही मर चुके हैं। और भी 50 तरीके के क्लाइमेट चेंज के बुरे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आज की तारीख में। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत सूखा पड़ रहा है, और अलग अलग तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी इज ऑन थिन आइस एंड दैट आइस इज मेल्टिंग फास्ट। तो ये रही प्रॉब्लम, अब इस वीडियो के असली मुद्दे पर आते हैं, इस सबका सोल्यूशन क्या है। इंडिविजुअल लेवल पर लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल, कम पानी यूज़ करना, लोकल चीज़ें खरीदना, और ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, पर आखिरी में इसका सोल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर कम ही है। देखिए, आम व्यक्ति तो अपने तो बचा ले, वही बड़ी बात है, क्योंकि तरीके पाओ से, क्योंकि ये एक आदमी का उससे नहीं हो, तो एक आदमी जो है, आप देखिए जनसंख्या है भारत में, पूरे विश्व भर में जो ये क्लाइमेट चेंज है, ये एक आदमी का किया हुआ नहीं है। इससे मेन नॉन में मानता हूँ कि हमारे जो नीतियाँ बनती हैं तो उसमें लोग तो उसको तवज्जो देते हैं, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पॉलिटिक्स भी आता है और ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका भी रोल है, और हम जो भी मान लेते हैं टेक्नोलॉजी से चीज़ सॉल्व कर लेंगे। अगेन, जो इंडिविजुअल लेवल पर की जाती है वो चीज़ें अच्छी है, मैंने इन विषयों पर पहले ही वीडियोज़ बनाए जो आपको देखना चाहिए और अपने जीवन में वो बदलाव लाना चाहिए, और इंडिविजुअल एक्शन पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर असली जो सोल्यूशन है वो एक एक व्यक्ति को बदलने में नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है और उसमें समय भी लग जाएगा। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब बात उन तक आ जाती है तभी उनको होश आता है। तो फिर समाधान कहाँ है? पेड़ लगाने में। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं पेड़ लगाने के महाअभियान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। जैसे इससे आता है और बोली छाते हैं, लेकिन उसके पीछे आप कई सारे जांच भी करेंगे कि आपकी इन्फेक्शन तो नहीं है और आपको बीपी तो नहीं बढ़ा है, तो क्या कारण है उसको भी आप करते हैं। तो पेड़ जो है दवा की तरह है, लेकिन उसको जो है हर जगह उसको अपील नहीं कर सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि पेड़ लगाना कहाँ पर सच में काम आता है। हम गर्मी की बात कर रहे हैं, हाल ही में दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ।
शहरों में ये गर्मी और भी ज़्यादा होती है। जब नेचुरल एनवायरनमेंट्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पेवमेंट्स, लंबी बिल्डिंग्स, सड़कें वगैरह बना दी जाती है तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि कंक्रीट और एस्फाल्ट जैसे मटेरियल सूरज से आने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आसपास के वातावरण की तुलना में शहरों में गर्मी और ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना बहुत काम आ सकता है। हमें ज़रूरत है अपने शहरों को हरा बनाने की, हमें ज़रूरत है बिल्डिंग्स को हरा बनाने की, अपनी छतों पर प्लांटेशन करने की। जितना ज़्यादा एक शहर हरा भरा होगा उतना उस शहर में हीट वेव्स का असर कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको एक तो चीज़ जो करना चाहिए कि शहरों का जो विकास जो कर रहे हैं हम लोग उसको थोड़ा सा हमें क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद पेड़ लगाना ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन नहीं है। और यहीं पर मुझे अजीब लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन की जब भी बात आती है तो बस हमें पेड़ लगाने की एक गोली पकड़ा दी जाती है। आप कोई भी बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस उठा लीजिए, उसमें एक ही रामबाण उपाय बताया जाता है, पेड़ लगा दो, जैसे वो हर मर्ज की दवा हो। हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सोल्यूशन ही यही है, पेड़ लगा दो, हो गया काम। जंगल और पेड़ अलग अलग चीजें हैं, और जंगलों में सिर्फ पेड़ छाड़ी छाड़ी भी होते हैं, घास भी होता है जो कि पानी के अंदर जो मिट्टी को होता है उसको बचाने रखता है। प्रकृति को जैसा है उस वैसे भी बहुत सुंदर है, क्योंकि आप एक तरह से उसको मतलब सोच तक काम नहीं कर रहे, उसको कॉस्मेटिकली यूज स्टॉप कर रहे हैं तो उससे काम नहीं होता, बहुत होलिस्टिकली काम देखना पड़ेगा। पेड़ लगाकर पृथ्वी बचाने का महाअभियान क्यों सफल नहीं हो सकता, इस पर मैंने डिटेल में भी एक पूरा वीडियो बनाया जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं पर्यावरण की रक्षा की पॉलिटिक्स पर। पर्यावरण को लेकर सरकारों का क्या रुख है? जो कानून और नीतियां जो आई थी इंडिया सरकार से पहले वो थोड़े से प्रो एनवायरनमेंट थी, वो थोड़ा से प्रकृति को बचाने की बात कर रहे थे, और जो आपके कम्युनिटीज है जो मतलब जंगलों में भरा है और जो है थोड़ा सा वो प्राथमिक दे रहे थे। अभी जो सरकार है तो इसमें सही गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ तो वही था कि अपने लोगों को रोजगार देना है और विकास करना है, इन चीज़ों पर ये सरकार जो है प्राउडली भी करती है। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कहते भी है कि हम लोगों ने पर्यावरण जो मंजूरी थी उसको हमने बहुत तेज कर दिया है, उसको कम कर दिया है और हम इस बिजनेस में नंबर वन बनना चाहते हैं। हालांकि इनका जो तरीका काम करने का बहुत तेज है और एफिशिएंट भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी जो है मुझे लगता है कि एनवायरमेंट को प्रायोरिटी कम दी जा रही है। इसमें ये मेरी एक्सपेक्ट की कांग्रेस जो है सरकार वो भी कुछ बढ़िया काम करेगी, क्योंकि पीछे आज से पहले 2013 में बहुत सारे कानून बदलाव कांग्रेस सरकार ने दौरान नहीं देखा है। हमने इस बेटों में जब वीरप्पा मोइली साहब मिनिस्टर थे उस टाइम पे तो बहुत सारे कानून में कह सकते हैं कि पर्यावरण नीतियों में बहुत बदलाव आए जो कि अच्छे नहीं थे। ये 2012-13 से शुरू हो गया था और ये एक तरह से इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी हो तो ये मुझे लगता है कि ये तंत्र बन गया है। जब तक ये सब पॉजिटिव पॉलिटिकल बिल नहीं आए तब तक चीजें चेंज नहीं हो। डेवलपमेंट पर फोकस करने के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल मीटिंग्स में पर्यावरण को लेकर कई बड़े वादे किए, जिनमें शायद सबसे बड़ा वादा मोदी जी द्वारा किया गया था 2021 में COP26 के दौरान, और वो था 2070 तक नेट जीरो होने का वादा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा, मतलब 2070 तक भारत कोई एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में नहीं छोड़ेगा, मतलब अपने एमिशंस को वो इतना कम कर देगा कि उसे भारत की प्रकृति जंगल वगैरह ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और पर्यावरण का कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा। अब वादा तो कर दिया पर उसका कोई बहुत क्लियर रास्ता नहीं बताया कि कैसे करेंगे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर CAT एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जो अलग अलग देश की सरकारों की ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नीतियों की जाँच पड़ताल करता है और बताता है कि वो कितने पानी में है। CAT भारत के नेट जीरो टारगेट को फिलहाल पुअर रेटिंग देता है, क्योंकि ये नेट जीरो केवल एक बात है, इस बारे में फिलहाल कोई डिटेल टारगेट्स नहीं है। अब यहाँ केवल भारत की बुराई नहीं हो रही है, दूसरे देश भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे USA की रेटिंग इनसफिशिएंट है, चाइना की हाईली इनसफिशिएंट और रशिया की तो क्रिटिकली इनसफिशिएंट है। ये चार देश हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस फैला रहे हैं। अब यहाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत डेवलपिंग नेशंस में आता है और हिस्टोरिकली उसका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में दूसरे देशों से कम रहा है। अगर हम हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन देखें कि पिछले 250 सालों में किस देश ने कितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करी है तो उसमें मेनली आपको USA, यूरोप, चाइना और रशिया मिलेंगे। अब ये देश खुद तो डेवलप हो गए और जब भारत जैसे देश ऊपर उठने लगे तो क्लाइमेट की बात आ गई। तो इंटरनेशनल लेवल पर यह मांग है कि डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। उचित न्याय तो यह होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे उन पर दबाव भरे। और डेवलप्ड कंट्रीज ने हर साल $100 बिलियन देने का वादा किया था, जिस पर अब तक उन्होंने पूरे तरीके से अमल नहीं किया। 2013 से 2021 के बीच इन देशों ने हर साल ऑन एवरेज $69 बिलियन इकट्ठा किए। इस साल नवंबर में होने वाली COP29 मीटिंग में क्लाइमेट फाइनेंस पर जोर होगा।
और फिर से एक नया नंबर कैलकुलेट किया जाएगा जो 100 बिलियन डॉलर से कहीं ज़्यादा होगा, कि डेवलप्ड कंट्रीज हर साल इतने पैसे डेवलपिंग देशों को देंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानों को खुद से बचा सकें और अपने एमिशन को कम कर सकें। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द 1 ट्रिलियन डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। ओके, वापस आते हैं भारत में। हमने 3 मुख्य कारणों की चर्चा की है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स पहला है और भारत का पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिलहाल बनती है कोयले से, इसका सीधा सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी वगैरह पे शिफ्ट करना। लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बड़े बनेट से नहीं है, थोड़ा सुनिश्चित करना है तो आपको बड़े सोलर की जगह पे आपको जो है रूफटॉप से रूफटॉप करना चाहिए, घरों में जो है बस स्प्रेड आप सोलर लगाइए। शायद इसीलिए सरकार रूफटॉप सोलर पैनल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। इसी साल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि वो 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इसके लिए सरकार लोगों को सब्सिडी दे रही है, तरह तरह की स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और इनके कारण भारत में सोलर सिस्टम्स की डिमांड बढ़ भी रही है। अगर पेरिस अग्रीमेंट के मुताबिक दुनिया के टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है तो भारत को कोयले पर अपनी निर्भरता 2030 तक बहुत कम करनी होगी और 2040 तक पूरी तरह खत्म करनी होगी। तो हमें एक तो शुरू करने की बहुत जरूरत है बिल्कुल, और सरकार लेवल पे ही चीजें करने की जरूरत है। आप स्थित रूप तक प्रमोट किया जाए और जो आपकी बिल्डिंग में जरूरत है, हमारे पावर जनरेशन की जरूरत है, ट्रांसमिशन लॉस है, बहुत जरूरत है। तो ये कई दिशा में डालने की जरूरत है और मेरा तो मानना है कोल्ड का ऑल्टरनेटिव जो है टैन देखें वो भी नहीं है, अगर आप कहेंगे सोलर वो भी नहीं है, हर किसको फुटप्रिंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसने ओवरऑल इन्वायरमेंट जैसे पोल्यूशन उसमें काम करेंगे, आपको ओवरऑल इन्वायरमेंट का लैंड का इशू आता है, तो सबको देखिए किस काम चलना पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि इन सब में से जो है रूफटॉप सोलर बेस्ट है, उस तक काम करने की जरूरत है सारा। और फिलहाल हम उस सिचुएशन में जहां सबसे जरूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएं। अगर सेफ्टी और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये सभी फॉसिल फ्यूल से कहीं 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 ज्यादा अच्छे हैं। फिलहाल भारत का गोल है कि वो 2030 तक अपनी 50% एनर्जी का प्रोडक्शन रिन्यूएबल सोर्सेज से करें, जो कि होता दिख रहा है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल, यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या सीन है? कोई बोलता है बढ़िया है, कोई बोलता है उतनी ही बुरी है, फैक्ट क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इस तरह से प्रमोट किया गया था जैसे वो हमारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। The push to get more electric vehicles on the road. 2 new electric vehicles. पर अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो पहली तो बात, उसे बनाने के लिए पृथ्वी से बहुत सारे मिनरल्स आपको निकालना पड़ते हैं, डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को बनाने से कहीं ज्यादा मिनरल्स, और इसमें खासकर लिथियम की माइनिंग से पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ता है। पर इसके जवाब में ये बोला जा सकता है कि भाई एक बार वो मिनरल आपने जमीन से निकाल लिया फिर उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। ये पेट्रोल की तरह नहीं है कि एक बार आपने निकाला, फूंक दिया और ख़त्म, और फिर एक बार गाड़ी बनने के बाद जैसे ही आप उस डीजल कार में डीजल डालने लगते हो वैसे ही उसका एनवायरनमेंट पर बोझ बढ़ने लगता है और वो बोझ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बोझ से ज़्यादा हो जाता है। तो पहले के मार्केट जो है एक साथ इस पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से जो चाहे आती है आप चीजों को खर्च करें, जो आप जो कंज्यूम से करें स्मार्ट करें ठीक है, सुरक्षित कराई फिर खेल भी पेश किया गया इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और इधर सफेंट भी है। लेकिन जब तक आप एनर्जी सोर्स कोल है और बाकी डैम्स हैं जो भी है, तो आप एक तो सोर्स जो है जो बिजली का हो तो आप वही है बहुत तक प्रदूषण आपने यहाँ नहीं रखी। छत्तीसगढ़ में सहकारी में अगर देखिए आप लोगों के साथ क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरऑल अच्छी तो हैं, लेकिन बात फिर से एनर्जी पर ही फंस जाती है।
अगर पूरा भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहा है और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है तो पर्यावरण पे कोई बहुत एहसान नहीं हो रहा, आपने बस प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया है। हम ये बात तो कर लेते हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने की जरूरत है। हालांकि जैसा हमने देखा फिलहाल दोनों का पर्यावरण पर प्रभाव लगभग समान ही है जब तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज पर ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट नहीं कर जाते। पर इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी हमारे शहरों और हमारे पूरे देश को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं 90s से बिहेयर हूँ, उस समय तक ये ट्रैफिक नहीं होता था, गाड़ियाँ तक ही थी, काम तक भी चलता हूँ, है ना, बस चलती बस बोल देती थी, हमें बसों का नंबर याद थे, कौन सी बस कहाँ पर जाती है, बस स्टॉप से आपको ऑटो या रिक्शा ये सब मिल जाते थे। तो हमारा एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो आया हमारे पास उसके बाद, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की जरूरत है। ओके, तो ये तो हो गया पूरा एनर्जी सेक्टर, फॉसिल फ्यूल्स की चर्चा, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, भारत क्या कर रहा है, उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सिटीज बनाना, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, अर्बन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना। पर बात आखिरी में घूमकर डेवलपमेंट और जीडीपी पर आ जाती है, जो हमारा पूरा मॉडल है इनफाइनाइट ग्रोथ का, कि बस बढ़ते रहो, कंज्यूम करते रहो, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहें, उसकी हमें चर्चा करनी होगी। आपने जो तरक्की करी उस तरक्की में आपने इतना कार्बन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया, पर आप जब अपना जीडीपी बताते हो कि मेरा जीडीपी इतना हो गया है और इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, उसमें कहीं बताते हो कि उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? नहीं बताते। सॉरी, ये बात नहीं कर रहे, गाड़ी की जरूरत कहाँ पे है, क्या ये सस्टेन कर सकता है, हम दिल्ली में रहते हैं, गाड़ी संख्या जो प्राइवेट व्हीकल्स क्या है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पहुंची है, तो जो है सरकार भी जो है देख रही गाड़ी की बढ़ावा देने की बढ़ रही है, जीडीपी नंबर पर डिपेंड करता है, गाड़ी जितना गाड़ी पे सेल बढ़ेगा उतना जीडीपी नंबर बढ़ेगा, उतना आप देखेंगे तुम्हारा देश प्रॉस्पर कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ है ना, आपको जो जगह पड़े और जो बाकी हमारा जो सोच है वो पेन भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो ये लोग है, और अगर हम उसको नहीं बन रहे पैसा क्योंकि आप मतलब क्या करेंगे तब कुछ लेकर जाओ। तो डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट, आए दिन जो हम डेवलपमेंट के नाम पे हजारों लाखों पेड़ों की कटाई देख रहे हैं उसका क्या, क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकता है? इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खेती से होने वाला भयानक नुकसान, उसे कैसे कम किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हम इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में करेंगे जो जल्द ही पब्लिश होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इसको देखने के बाद आपको लगा कि मजा आया तो प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी पसंद आएंगे, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, सोशल इश्यूज और ओवरऑल एक कॉन्शियस जनरेशन के लिए कंटेंट। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।